हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की खबर जान लीजिए। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कल ट्वीट कर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की बात कही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर चिदम्बरम को घेरा, कहा भारत को बांटने वाली डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करना कांग्रेस छोड़ दे। चिदम्बरम और जेपी नड्डा के बीच की लड़ाई अब और आगे बढ़ गई है। चिदम्बरम ने दरअसल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा है 6 अगस्त 2019 को CWC ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके मुताबिक सभी वर्गों के लोगों की सलाह के बाद 370 में संशोधन संविधान के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने इसका उलट किया। और देखिए, गुपकार योजना को लेकर जम्मू कश्मीर में हंगामा तेज। चिदम्बरम ने वार किया तो बीजेपी ने किया पलटवार। हमारे साथ सीधा आशीष सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या अपडेट है? पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम ने इस पर बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर अपना जवाब दिया है एबीपी न्यूज से। खास तौर पर उन्होंने कहा है कि उनका कहना बिल्कुल स्पष्ट था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उसके मुताबिक था, और उन पर यह आरोप लगाना कि बिहार चुनाव में वो समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में जैसा आपने भी अभी जिक्र किया, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि आर्टिकल 370 तब तक रहे जब तक कि उसको प्रॉपरली सभी स्टेक होल्डर से बात करके अमेंड ना किया जाए, और 5 अगस्त 2019 को जो मोदी सरकार ने फैसला लिया वो आर्बिट्ररी था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लिहाजा इस फैसले को पूरी तरह से रद्द किया जाए। बीजेपी अध्यक्ष ने सीधा हमला किया था चिदम्बरम पर, जिसका जवाब उन्होंने दो टूक शब्दों में दिया। तो महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद ये मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है आशीष, लेकिन इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती एक साल के बाद रिलीज की गई है, उसके पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला दोनों रिलीज किए गए थे, और निकलते ही आप देखें जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने ऑडियो जारी करके सबसे पहले कहा कि 370 और कश्मीर के मुद्दों को लेकर के आंदोलन जारी रहेगा। मुझे लगता है कि चिदम्बरम के इस बयान को, क्योंकि वो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, कांग्रेस का अपना स्टैंड मान लिया जाता है, और मुझे लगता है इसी वजह से चिदम्बरम ने एबीपी न्यूज से बात करके अपने पक्ष को स्पष्ट किया है, क्योंकि सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन पर हमला बोला था, और सभी को पता है कि बिहार चुनाव में सभी पार्टियों के, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के हो, इनके स्टेक्स लगे हुए हैं बहुत हाई, और मुझे लगता है इस वजह से चिदम्बरम ने ये ठीक समझा कि उस पर स्पष्टीकरण दे, और जैसा उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी से का जो प्रस्ताव था उसके मुताबिक इनका ये बयान था, और लेकिन वो अभी भी अपने इस बयान पर तो जरूर कायम है, जिसमें वो कहते हैं कि आर्बिट्री डिसीजन था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लिहाजा इस फैसले को पूरी तरह से रद्द किया जाए। जी आशीष, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आशीष कुमार सिंह हम तक पहुंचा रहे थे।